के के हिजाब के पैसे से करते हैं हिजाब पे जो बैंक जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है ये बहुत ही मायूस फैसला है यूनिफॉर्म जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए ये ये हिजाब बीच तो में लाने के रिलीजन के बीच में नहीं ला चाहिए मैं कैसे मान सकता हूँ मेरा मेरे इस्लाम का संविधान है ये आ, बहुत ही आ, अच्छी वर्डिक्ट तो देश में दिल्ली से भी बड़ा दंगा होता है हिजाब के नाम पर हैरान हो जाएंगे आप जो खबर आपको बताने जा रहा हूं देश में दिल्ली दंगा याद है ना दिल्ली से भी बहुत बड़ा दंगा होता बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी थी हिजाब के नाम पर पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी देश के अलग अलग राज्यों में यह हिजाब वाली आग फैलाई जा चुकी थी बस दंगाई दंगा, दंगा शुरू करने वाले थे लेकिन उससे पहली कोर्ट ने हिजाब गैंग का नकाब उतार दिया हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये कहीं नहीं ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके एक पन्ने पर क्या है कहीं आपको नहीं पता लगेगा यह मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं क्योंकि कोर्ट हिजाब इशू अनफोल्डेड पढ़िए बहुत ध्यान से हिजाब इशू अनफोल्डेड गिव स्कोप फॉर आर एट वर्क टू इंजीनियर सोशल अनस्ट एंड डिस हारनी मच इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई ये कोर्ट का ऑर्डर है बहुत ध्यान से मेरे हाथ में जो है यह कोर्ट का ऑर्डर है पूरा पढ़िए इसमें लिखा गया वी आर डिसमेड एज टू हाउ ऑल ऑफ ए सडन डेट टू इन मिडल ऑफ द एकेडमिक टर्म द इश्यू ऑफ हिजाब इज जनरेटेड मतलब हम हैरान है कि अचानक से अकेडमिक सेशन के बीचों बीच अचानक से हिजाब का मुद्दा कैसे आ गया ये कोर्ट कह रहा हाई कोर्ट माननीय न्यायालय आगे पढ़िए ये इसका क्लोजअप दिखाइए जो लिखा गया है द वे अनफोल्डेड जिस तरह से हिजाब का मुद्दा आगे बढ़ा वो इस बात को बल देता है कि कुछ अदृश्य हाथ अनसीन हैंड्स कुछ ताकते थी जो हिजाब मुद्दे के नाम पर देश में सामाजिक सदभाव बिगाड़ना चाहती थी और अनरेस्ट क्रिएट करना चाहती थी कंट्री में यह कोर्ट ने कह दिया है मतलब हिजाब गैंग देश में दंगे भड़काना चाहता था यह कोर्ट की टिप्पणी है यह अमन चोपड़ा की नहीं है यह न्यूज 18 इंडिया की नहीं है यह डंके की चोट पर हाई कोर्ट ने कहा है कि इनका प्लान देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना और सोशल अनरेस्ट क्रिएट करना था ये हाई कोर्ट ने कहा अब ये जो पूरी लड़ाई हो रही थी ना कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है राइट right ऑफ इस्लाम का अभिन्न अंग है हिजाब कुछ नहीं था ये कुछ नहीं था हिजाब बहाना था देश में दंगे भड़काना था सीए के नाम पर दंगे भड़काने का प्लान हुआ दिल्ली में दंगे भड़के एनआरसी के नाम पर हुआ दंगे भड़के किसान के नाम पर खालिस्तानी दंगे भड़के लाल किला दंगा याद होगा अब यह नई टूल किट थी हिजाब वाली हालांकि दंगे भड़काने का प्लान था लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर सुनवाई करते हुए यह सबसे पहले साफ कर दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है ये लोग कह रहे थे और ये ये फैसला ये जो फैसला है हाई कोर्ट का ये बताता है या हाई कोर्ट का फैसला बताता है कि स्कूल कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है या हाई कोर्ट का फैसला है तीसरी बड़ी बात यह कि यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते छात्र हिजाब की जिद गलत

कोर्ट ने यह कहा है कि हम इस बात से निराश है कि कैसे अचानक ध्यान से सुनिए फिर से रिपीट कर रहा हूं यह बहुत बड़ी खबर है कोर्ट ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कैसे अचानक एक शिक्षण सत्र के बीच में हिजाब का मुद्दा पैदा होता है और कुछ शक्तियां कोर्ट ने लिखा है अनसीन कोर्ट का कॉपी भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार क्योंकि हाई कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है इसमें कहा गया है कि कुछ शक्तियां द्वारा इसको हवा दी जाती है जिस तरह से हिजाब विवाद सामने आया वो इस तर्क की गुंजाइश पैदा करता है कि कुछ अनदेखे हाथ जिस तरह से हिजाब विवाद सामने आया वो इस तर्क की गुंजाइश पैदा करता है कि कुछ अनदेखे हाथ इसके पीछे हैं जो समाज में अशांति लाना और सामाजिक सद्भाव जो है वो बिगाड़ना चाह रहे हैं और इसके पीछे समाज में अशांति फैलाने का मकसद था कोर्ट के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि हिजाब विवाद में कुछ अनदेखे हाथ समाज में अशांति लाना और सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं शहजाद पूना